अपने आप को आधा बंगाली मानता हूँ क्योंकि मैं बहुत पास से हूँ वहां से, तो मैं भी अच्छा ये क्या रिएक्शन सो मेनी बंगालीज इन वन हाउस राइट. अरे बाजी आपका तीसरा सवाल है अगेन ऑन स्पॉट, इनमें से किन्हें फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, बड़ा आसान सवाल, कपिल देव, सरदार सिंह, मिल्खा सिंह या जोगिंदर सिंह. यही तो भी फिल्म आई थी जी, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, इसमें थे फरहान अख्तर. मिल्खा सिंह. मिल्खा सिंह करेक्ट आंसर. भाजी दो डिलीवरीज और बाकी हैं क्योंकि मैंने एक वाइट छोड़ दिए कहीं पे, तो वो कोई और कवर कर लेंगे. ये जो एक बॉल है आपका, जो अगला सवाल है वो फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड नहीं है. आप मुझे मारेंगे तो नहीं? नहीं नहीं ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल. हिंसा के अगेंस्ट हूं. जी हिंसा के अगेंस्ट हूं. सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड पे हिंसा करते हैं आप? था अभी भी, अगर आप उतर जाए तो आप कर लेंगे. और जैसा आपने कहा कोई युद्ध वुद्ध नहीं है, जो होता है स्पोर्ट्स में ही होता है. दैट इज अ वेरी गुड लाइन एक्चुअली, वहीं पे होना चाहिए जो युद्ध हम आसान होना है. भारत के पहले सैटेलाइट का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट? आपके ऑप्शंस है आर्यभट्ट, स्पुटनिक 1, सरल या स्काईलैब. ये तो अभी भी मैंने ट्वीट किया था एक कुछ दिन पहले. अजी आपको सब कुछ पता है पहले से? हाँ कुछ, क्योंकि उन्होंने जीरो का भी आविष्कार किया था जी. और मैंने एक फ्लाइट पकड़ी थी बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से लंदन, लंदन से बाय रोड 3 घंटे की ड्राइव थी. मैं पहुंचा मैनचेस्टर जी, और जाकर मैंने बनाया क्या वहां जीरो. इतना 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 समय खराब किया जीरो के लिए. तो वो तो वहां जो थे वो भी बना लेते. आर्यभट्ट. आर्यभट्ट सही जवाब है पाजी. पाजी लेकिन रेवेन्यू तो जीरो नहीं था ना, वो तो कमाल था. मैच फीस काफी अच्छी मिलती है हमें टेस्ट मैच की. पाजी क्या बात है. पाजी आपका आखिरी सवाल जो है, पांचवी डिलीवरी, हु वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल. ये भी रिसेंटली बड़ा कश्मीर के मुद्दे पर बात हुई थी, तो उसको उनका भी चर्चा बड़ी आई. जी 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 जी. कि अगर वो होते तो शायद ये 370 हटाने लगाने की जरूरत ही ना पड़ती. काफी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, हमारे पहले होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और उनपे ऑफकोर्स अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनी है, वो भी काफी कॉन्वर्सेशन का चर्चा था. तो पटेल साहब की बातें तो हमेशा चलती ही रहती हैं. दैट वाज वेरी वेल प्लेड पाजी, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच. गिव इट अप फॉर विरू पाजी. क्या बात है. एक सवाल मैं करूं? पाजी बिल्कुल पूछिए. मैंने फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी बनाई है कितनी गेंदों में? हाय रब्बा. पाजी मेरे नंबर्स बड़े खराब हैं एक्चुअली. अच्छा, नहीं मैं ऑप्शन दे देता हूँ. बताइए. 275 जी, 280 जी, 278 या 290. ये सवाल क्विज मास्टर होने के नाते मैं ऑडियंस को छोड़ता हूँ. ऑडियंस आप बताइए क्या है सही जवाब. 275 278 इज द करेक्ट आंसर. पाजी आप ही कर सकते थे ये. थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग विद अस. A huge round of applause for Viru Paji. Epic moment आपको याद है ड्रेसिंग रूम का टीम इंडिया के साथ, अगर इस वक्त आप याद कर पाए हमको बता पाए, जो लोगों को आज तक नहीं. देखिए ऐसे मोमेंट जनरली मैं अपने सोशल मीडिया पर ज्यादा शेयर करना चाहूंगा बजाय यहाँ आप लोगों की TRP बढ़ा के मुझे क्या मिलना है ना. एटलीस्ट सोशल मीडिया पर अपने फैंस बढ़ा लूं. अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो कोच का क्रेडिट ले जाते हैं, मजाक में ही कहा, लेकिन फुटबॉल की तरह क्रिकेट में कोच का ज्यादा महत्व नहीं होता, इससे आप? देखिए हर स्पोर्ट का अलग अलग महत्व होता है उनके प्लेयर का, उनके कोचेज का, लेकिन हम क्रिकेटर जनरली आप देखें तो उतना क्रेडिट अपने कोचेज को नहीं देते जितने शायद और स्पोर्ट्स में देते हैं या पड़ती है जरूरत उनको. तो मे बी बिकॉज एक बार आप जब क्रिकेट देश के लिए खेलना शुरू करते हैं तो अपने उन कोचेज को भूल जाते हैं, उनसे मिलना या उनसे बात करना कम हो जाता है, तो फिर आप उनको क्रेडिट भी नहीं दे. जबकि अगर आप किसी और स्पोर्ट में देखें तो उनको कोच की ज़रूरत शुरू से लेकर अंत तक रहती है, तो शायद वो ज़्यादा समय बिताते हैं उनके साथ और उनको इसलिए क्रेडिट भी मिलना ज़रूरी है कोचेज को. आई विल ऑफ कोर्स, मैं फोटो के लिए तो आया हूँ, ये लीजिए. थैंक यू. How can we not have the photo of all the journalists and the press that will finally get to see today's press conference? May I kindly request the MD of Rupa Publication, Mr. Kapish Mehra, to join us first, followed by, got the name right, yes, we're equal now, we're even. My bad. And followed by Akul Tripathi from Epic Television.
all our sports stars, Chang, why don't you get them over here, because they've had a very fun round. Ladies and gentlemen, I request all of you to get all your photo, your cameras ready for this photo app. And post it on your app. One for the gram and one for the fam. We've got the books Dharmakshetra, Umid, India and Sharanam. These are the three books that we are presenting to you today. On spirituality, followed by Dharma Kshetra, stories of Kurukshetra, which we shall be talking about. The floor is now open to questions. All the media personnel are मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से वो गेम खेल रहे हैं अपना जिस प्रकार से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि शायद वो आने वाले पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएंगे भारत के लिए ऐसी उम्मीद है कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि हम खिलाड़ी क्या कर सकते हैं मेहनत कर सकते हैं अपना 100% एफर्ट दे सकते हैं रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है अगर वो दिन संजीव के नाम हुआ तो गोल्ड मेडल जरूर हम लोगों को मिलेगा ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है मेरे अंदर जो ये ले सके कोई एनी स्टोरी दैट टच्ड यू बहुत सभी की स्टोरीज है कि संजीव मुझे बता दे कि उनको कोई नहीं पूछता था उनको नौकरी के लिए जाना पड़ता था पैसे के लिए जाना पड़ता था तो ये बड़ी उस टाइम में जब वो बता रहे थे रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि एक खिलाड़ी है जिसको खुद धक्के खाने पड़ रहे हर चीज़ के लिए तो बड़ी मुश्किल है ओपी की कहानी है जो उन्होंने बताई कि उनके कोच हैं वो कह रहे हैं कि मैं इनके साथ ट्रेनिंग लूँगा लेकिन सिस्टम कह रहा है कि नहीं इनको हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे इनको अपने कैंपस में रखेंगे बड़ी मुश्किलों से उनको वो कैंपस में रखा उनको सिर्फ मिला क्या वो रहना और खाना उनको क्रेडिट भी नहीं दिया गया उनको जो फीस मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिली तो ये ऐसे इमोशंस हैं जो आपको भावुक कर देते हैं फिर आपके इमोशंस बाहर आते हैं इन दिस काइंड ऑफ अ पोजीशन दैट यू आर हाउ आर यू हेल्पिंग दिस स्पोर्ट्स कम्युनिटी सच्ची बताऊं तो अभी तक शायद संजीव को ही हमने हेल्प किया और किसी को हेल्प किया नहीं ना किसी ने अभी तक कोई रिक्वेस्ट किया बट अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज़ है जिसके शायद मैं सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ उनकी कि उनके बारे में बोल कर लिख कर या बात कर कर बट अभी तक संजीव के अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी आया नहीं क्योंकि जितने भी खिलाड़ी शायद अगर वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर ऑलरेडी उनकी फेडरेशन या मिनिस्ट्री उनको हेल्प कर रही है लेकिन उसके अलावा अगर उनको कोई और हेल्प की ज़रूरत होगी और मेरे पास आएंगे मैं कोशिश ज़रूर करूँगा उनकी मदद कर सकूं